अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज जी सुबह खीर बन रही है, ये हमने पर आधा कप चावल भिगोए थे और दूध है तकरीबन 1.5 किलो जी, तो ये चावलों वाली खीर है, वो लजीजा खीर नहीं है। ये देखें जी चावल, और ये बन जाएगी तो फिर आपको दिखाते हैं जी इंशाल्लाह। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खीर रेडी है, देखें जी। इसमें हमने किशमिश और खोपा और सब्ज़ इलायची डाल दी थी, और ये बहुत अच्छी घुल गए हैं चावल इसमें, और बहुत अच्छी बनी है। ज़ारा आज गा रहा है, स्कूल नहीं गई, इस हमने भेजी नहीं इसलिए कि गर्मी है, लेकिन अभी ये बिल्ली इधर बैठ के तो हम पछता रहे हैं ये इसको घर रख के, क्योंकि बच्चे पता है तंग करते हैं। तो ये फिर आज मौसम भी अच्छा हो गया था, लेकिन फिर ये गई नहीं, चले खैर है जी। अभी जी ये घर की सफाई हो रही है और काम जारी है, सारी आसिया कर रही है सफाइयाँ, बड़े अच्छे तरीके से करती है ये आसिया। कुछ बोलना मेरे नाल की बोला, कुछ तो बोलना की बोला, मैं की बोल लगे हूं तरह से, मैं फिर उल्टी कर सकती हूं, की कर सकनी है तू मेरे वास्ते की करने मंजी जड़ी है बड़ी कर सारा सटी ना गड्डी के ऊपर ना सटी है आसिया कितने साल शादी हुई रही तेरी परवेज नाल, कितने साल पता नहीं होया, कितने साल मेरी शादी हो गए ने, कितने नहीं है वो नहीं याद रहा है ना, या वो नहीं दिमाग के काम करता सही। चाय बन रही है जी, इलायची वाली चाय। ये डाली है अभी हमने पत्ती, और ये इलायची डाली है, और ये जी 2 कप चाय बनेगी, मैं और मेरी भाभी दोनों पियेंगे। और भाभी मेरी से चीनी हमेशा ज़्यादा डाल जाती है, कहती है 2 बार डे, तो इसलिए मैंने कहा कि बस 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 कर और ना पाई 1 चम्मच काफ़ी है, 1 चम्मच चीनी काफ़ी है जी। तो अभी इसको बॉयल आए कावे को, तो फिर इसमें दूध डालते हैं, चंगी तरह इनू उबालियां देनिया ने जी, इनू कड़क चाह बनाना है, इसे पवा मार मार के ना इनू कड़क चाह बनानी। ये दूध आ गया, अभी इसको बॉयल करना है, ये भी चूल्हा जला लिया, गला मेरा ख़राब है काफ़ी दिनों से, अल्लाह खैर करे ठीक हो ही जाएगा। मैंने कौन सा गाने गाने, ये जी दूध जाने लगा इसमें, ये बस थोड़ा सा और, बस ये जी 2 कप ये ठीक है। दूध पत्ती भी नहीं मुझे पसंद, मुझे ये वाली सादी चाय पसंद है, पानी वाली कम चीनी वाली ये वाली। कभी बनती है तो आपको दिखाते हैं जी, थोड़ी सी तो है। ये चार हमने डाला है जी, ये तजर्बा किया है, थोड़ा सा चार डाल के घर में, तो ये बड़ा मज़े का बना है। इसमें लीमू और आम और करेले भी हैं, मिर्चें भी हैं, सब बस तुम नज़र आंदा है पर देखो, और घर में बने हुए चार और बाज़ार वाले में बड़ा फ़र्क है जी।
ये हमने अंदाजा लगा लिया, ये बहुत मजे का है। चाय बन गई है और अभी डालने लगे हैं कप्स में। और जी क्या करें फिर, चाय के बगैर तो नाश्ता सुबह हमारी होनी कैसे है। चाय देखें जी रेडी है, मैं और मेरी भाभी पहले भी बताया पियेंगे, और अभी वो बिस्किट, उनकी पूरी कोशिश है कि बिस्किट मिल जाएं, तो वो ढूंढ रही हैं लेट में डालने के लिए, पढ़ने आदि खड़ खड़। और फिर हम दोनों ने मिल के चाय पी ली, साथ में बिस्किट भी, ये जी बड़े सजा सजा के तो हम रख रहे हैं। ये पीनट, गर्मियाँ पीनट आदि बिस्किट। चलो जी इस चाय को लेके जाते हैं जी लिविंग रूम में और उधर पिए। आज जी लंच में हम बनाने लगे हैं पास्ता, मैक्रोनी और ये जी बाकी सॉसेज पड़ी हैं ये वाली, और सारा कुछ पड़ा है, ये मसाले, ये ब्लैक पेपर और ये टमाटर, प्याज हमने ऊपर रख दिए, अभी ये ब्राउन हो जाए तो फिर हम जी बनाते हैं। और ये हमने चिकन को कर दिया है, ये असल में हमने रात को बनाया था जी चिकन जलफ्रेजी, तो हमारी सब्जियां और चिकन बच गए, तो इससे हम आज मैक्रोनी बना लेंगे। ये भी अच्छा आइडिया है, जो वो चीज़ है ऐसे उसको यूज़ में लेके आ सकते हैं। अभी बनता है साथ साथ तो दिखाते हैं जी। अभी हमने इसमें टमाटर की पेस्ट डाली, बना के डाली थी, और ये ब्लैक पेपर अभी डाली है इसमें, और बाकी भी जी ये सोया सॉस, ये चिल्ली सॉस, और ये विनीगर जाने लगा है अब ये, और ये अभी इसमें चिकन जो है वो भी डाल देते हैं साथ, तो ये बन जाएगा जी मसाला हमारा चिकन का, चिकन जलफ्रेजी को अब हम मैक्रोनी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये देखें ये जी बन जाएगा, तो मैक्रोनी को अलग से बॉयल कर लेंगे, आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह जी। अभी मैक्रोनी बॉयल हो रही है जी पूरे जोशो खरोश नाल, ये बॉयल हो रही है, और फिर इसको हम डाल देंगे जो हमने चिकन का मसाला रखा है ना उसके अंदर जी, इसको मिक्स कर लेंगे। अभी आपको फिर डिश आउट करके ही दिखाएंगे इंशाल्लाह। मैक्रोनी रेडी है जी हमारी, ये देखें कितनी अच्छी कुक हो गई है, और अभी ये खाने वाले भी रेडी हैं, तो खाते हैं जी। आप भी बनाइए और खाइए। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम।